नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, कल एक गाना रिलीज हुआ था जय जय शिवशंकर, जिसको लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई थी और इसको लेकर लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल भोजपुरी के दो सुपरस्टारों के गाने रिलीज हुए थे, जिसमें एक पावर स्टार पवन सिंह का गाना था तो वहीं भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव का गाना था। यानी कि दो बड़े जो नंबर वन नंबर दो पर आते हैं उन दोनों का गाना रिलीज हुआ था। और एक साथ जब गाना रिलीज होता है तो वैसे भी गाना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है। और जो अलग अलग आजकल होता क्या है ना कि आजकल पर्टिकुलर पर्टिकुलर लोगों के यूट्यूबर बन चुके हैं तो वो कंपेयर करते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ गाली गलौज या उस टर्म का जो इस्तेमाल होता है वो करते हैं, क्योंकि गंवार टाइप के लोग हैं तो करेंगे ही, उनका ही मतलब है। लेकिन खैर, जो भी है, दोनों गाने काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और आप सभी को प्राउड मोमेंट्स प्राउड फील करना चाहिए कि चलो यार, भोजपुरी का कोई सिंगर किसी के साथ गाया किसी के साथ नहीं गाया वो अलग बात है, लेकिन भोजपुरी का नाम सबसे ऊपर जा रहा है, ये आप सभी को प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को नीचा गिराना है तो वो उनकी सोच है, उन पर तो हम विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आजकल जो खेसारी लाल यादव गाना था वो नंबर वन पर ट्रेंड गया था, नंबर वन पर ट्रेंड किया कुछ समय तक और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। और वो म्यूजिक सेक्शन में नहीं बल्कि वो करने लगा ओरिजिनल जो ट्रेंडिंग सेक्शन है उसमें करने लगा। इसके बाद से थोड़ी देर बाद पवन सिंह का गाना ट्रेंड करने लगा, नंबर वन पर ट्रेंड करने लगा और अब जो है गाना वो लगभग लगभग पवन सिंह का गाना दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और तीसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंड कर रहा है। अब इसमें तुलना की अगर बात करते हो, अगर तुलनात्मक तरीके से अगर इस गाने को रिप्रेजेंट करते हो तो मैं आपको आपको ये भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो कंपेयर हर पहलुओं पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के किसी बंदे के सपोर्ट में काम करते हैं तो आप उसके बारे में अंधभक्तों की तरह बिना कुछ तथ्य के, बिना कुछ परिणाम के, बिना कुछ एविडेंस के और बिना कुछ प्रूफ के आप ऐसे ही पेश करते चले जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों लोग का गाना अच्छा है और दोनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन एक भोजपुरी वर्जन होते हुए, भोजपुरी का गाना होते हुए ट्रेंड किया है तो ये भोजपुरी के लिए ज़्यादा प्राउड मोमेंट्स की बात है। वहीं पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह का गाना भोजपुरी में नहीं है, पवन सिंह का गाना अपना उन्होंने अपना जो उनका स्क्रिप्ट है वो भोजपुरी में गाया है, लेकिन जो पायल दे है वो हिंदी में गाई है। लेकिन खेसारी लाल यादव का भोजपुरी वर्जन है और भोजपुरी नंबर वन पर गया, नंबर तीन पर गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात और आप लोगों को कहने का गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और ये तुलना तो करना ही नहीं चाहिए, मुझे भी मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग समझदार यार, समझिए थोड़ा और ऐसी वार्तालापें मत करें। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी आगे बढ़े नंबर वन नंबर तीन पर ट्रेंड कर रहा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कल एक और बात देखने को मिली कि खेसारी लाल यादव को जब गलत तीन नंबर पर ट्रेंड कर रहा था तो उस समय आकर उन्होंने एक बात बोला था कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार जो है उनके समर्थन में नहीं आता है। और ऑब्वियसली कहां देखा, और वहीं पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया आयाम देना, ऐसे ऐसे रितेश पांडे से लेकर तमाम ऐसे कलाकार पोस्ट किए थे, क्या खेसारी लाल यादव ने अपने तो जैसे तैसे को डेब्यू भोजपुरी में नहीं किया था और वो गाना आज कितना बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है वो किसी को नहीं पता। लेकिन नहीं, लोग वही कह रहे हैं कि जो एक अंधभक्ति होती है वो एक व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं, उसी पर बोलना है, उसी को नीचे गिराना है, उसी को दबाना है, तो ऐसे नहीं चलता है। कंपेयर करते हो तो तथ्य पर प्रमाणिक तौर पर कंपेयर करें और जो उसमें निकलता है आगे उसको आप तुलनात्मक तरीके से आगे बढ़ाइए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, मेरा तरफ से तो मेरा चैनल ऐसा कभी भी नहीं कतई भी नहीं करता हूं मैं, और मेरी ऐसी सोच भी नहीं है कि मैं किसी को तुलना करूं। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के सहनसा हैं, उनकी आवाज में दम है, तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है, आवाज में दम है, टैलेंट है, प्रतिभा है, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और यही सब चुची तो होती है दुनिया में सबसे ऊंचा उठने के लिए। एक चाय वाला व्यक्ति अगर हमारे देश का पीएम बन सकता है तो बताइए, बादशाह जी, बादशाह बॉलीवुड के एक बहुत बड़े बादशाह हैं, क्लासिकल आती है उनको, गाते हैं बढ़िया। आप अगर अंदर से सोचिए तो एक अलग वेरियंस होता है, सबकी एक अलग कैटेगरीज होती है, अलग वेरियंस होता है, अलग वे ऑफ सिंगिंग होता है, तो अलग अलग तरीके का सब अपने आप में फेमस है। अब ये थोड़ा कि आप तुलना करने लगेंगे, तुलनात्मक तरीके से करते हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जा रही है और इसी पर आपको टिके रहना है। दोनों को बधाई दीजिए, दोनों के गाने शेयर करें, बस यही मेरे तरफ से अपील है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।